मैनपाट ब्लॉक में कई एकस गांव हवे जहां नहानी घर अभी तक नहीं बनी से और जहां बनी से वहां नहानी घर कर नाम पर चार दीवार खड़ा कर के छोड़ दही नहें ना तो ओमे ढलाई करवाई नहें और ना तो ओमे अभी तक दरवाजा लगवाई नहें। कई नहानी घर में तो घास फूस उई गई से है। एकस नहानी घर में नहाए बर और खुला में नहाए में कोई अंतर नहीं है। के गो नल है? 10 गो। तो ठन जे 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 नल है ओ जग नहानी घर है? 6 गो में है, 4 गो में नहीं है। ना ना था नी नहान कले ठीक से नहीं बनी से और घास में नुगी से। कहाँ नहाए जा था? तालाब मतलब कि आओ कहीं कहीं आओ परेशानी है। हाँ भाई लाज शर्म लगे, ससुर भसुर मना थी जाते हैं तो खुले में नहा था तो भगवान देखते हैं तो फिर आदमी में बात भी करते हैं कि लाज ना शर्म नहीं है नहाते कहीं कसम बात करते हैं है कि नहीं। सही मन जे 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 जग बोरिंग है वो जग नहानी घर है? 2-3 जग है इधर बाद में है। वहाँ नहा था? नहीं नहान कल ही नहा था। साफ नहीं रहे, गंदा रहे। नहानी घर आधा अधूरा बने के कारण लड़की और महिला मन बोरिंग कर पानी में नहाए के बजाय नहर तालाब जेकर जगह मन जग नहाए बर जाते जेकर कारण ओमन ला आए वाला समय में कई तरह कर बीमारी हो सकते। कहाँ नहाए जाते? नहर में नहाते हैं। तो नहर में नहाता तो मतलब क्या क्या परेशानी है? परेशानी लोग यहाँ से आते जाते हैं तो शर्म भी लगता है और अच्छे से नहाने भी नहीं पाते और थोड़ा गंदा भी पानी आता है तो खुजली सब पकड़ता है। कहाँ से नहाया जाता तुम्हें? ढोरी में या बोरी में। कब से नहा था? जब से बड़े हैं तब से। तो मतलब एक बार आवेदन दे रहा तुम्हें? दे रहे हैं लेकिन नहीं बनवाई। कब दे रहा? 2-3 साल है। नहर और तालाब कर पानी में नहाए ले बहुत सारे बीमारी का सामना करे पड़ सकते ता आवा डॉक्टर ले जानबो। अगर नहाते हैं आप गंदे पानी में तो ये फंगस क्या करती है आपके जांघों में, ब्रेस्ट के नीचे, स्तन के नीचे, आपके जिला नाक में, बटक्स के ऊपर में, आप देखेंगे एक गोल गोल दाग जो बढ़ता रहेगा किनारे से वो तो आप देख पाएंगे। ये बीमारी ना होने के लिए दवाइयाँ तो है ही देंगे ही, पर ना हो बल्कि गंदे पानी में ना नहाए, गंदगी में ना रहे, वो साफ पानी से नहाए, सूखा रखें, पसीना और नमी से बचाव रखें। चर्मरोग की अलावा बीमारी है वो आपका है टाइफाइड, जैसे खुले में फर्श करते हैं तो जब बारिश का पानी होता है तो ये मल जाके उसको मिलता है, जैसे आपको टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, कोलेरा जैसे कभी बीमारी हो सकता है क्योंकि आमतौर पर नहाते समय आदमी पानी पी ही लेता है तो हो सकता है। ये ब्लॉक कर कई एकस गांव हवे जहां नहानी घर नहीं बनी से तो आवा पंचायत कर सरपंच मन ले जानबो कि नहानी घर काबर नहीं बनी से। टोटल अपने पंचायत में 33 शासकीय बोरिंग खुदाया है जिसमें 7 हेडपम्प के पास नहानी घर नहीं है। उसका कारण है कि वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। आप पंचायत में आवेदन दिए थे? पंचायत में आवेदन दिए थे, जो आवेदन देने आता है उससे हम लोग डायरेक्ट स्वाद में कहते हैं कि आप जमीन दे दीजिए, हम नहानी घर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहानी घर के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ आता है? वो पंचायत का खाता है चौदुआ भी, तो उस खाते में आता है। और आपका बजट कितना? बजट तो हम लोग बना के बहुत लंबा चौड़ा भेजते हैं लेकिन शासन उतना पैसा नहीं देता है। हम लोग तो करोड़ों रुपए मांग करते हैं लेकिन उस आधार पे नहीं आता है। शासन के फंड से पैसा आएगा तो हम लोग बनाने के लिए तत्पर खड़े हैं ग्राम पंचायत में। आपके पंचायत में कितने बोरिंग है और इस बोरिंग के पास नहानी घर है कि नहीं? हमारे पंचायत में 45 बोरिंग है और नहानी लगभग हो चुका है, 4-5 नहानी बाकी है। आपके आप पंचायत में आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे पंचायत में लेकिन सरपंच सचिव बोलते हैं कि मूलभूत का पैसा से बनता है तो कब इसका दिये कोई बजट नहीं आता है। तो कब दिए थे? दिए थे 3-4 महीने पहले, तो 2 नहानी घर दिए थे। आखिर कब तक महिला और लड़की मन खुला में नहाई? एक बार तो हर बोरिंग जग नहानी के घर एक चाहिए ताकि महिला और लड़की मन अच्छा से नहा पाई। देखे हो ही कि गांव कर नहानी घर सरपंच सचिव
कब तक बनवा पाही। संगवारी खबरिया ले सहिता और कर्मी संघ में सुनता सिद्धार्थ। अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के संबंध में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी अथवा सूचना हमें अवश्य दें। हमारा नंबर है 8435300106 और 8358902305।